सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़कों पर उतरा बीएसपी और भीम सेना तथा एससी एसटी वर्ग के लोग। विशाल रैली निकालकर बंद कराया गया शहर, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि एससी एसटी वर्गों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरा देश इसका विरोध में उतर पड़ा है। रीवा में भी हजारों की संख्या में एससी एसटी के हजारों लोग बहुजन समाज पार्टी और भीमसेना के बैनर तले आदेश का विरोध करते हुए विशाल रैली विवेकानंद पार्क से निकाली गई और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान शहर का भ्रमण करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दुकान को बंद कराने के लिए जमकर उत्पात भी मचाया। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लगाने संबंधी आदेश दिया गया था, जिससे एसटी एससी वर्ग के करोड़ों लोगों को संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गया है। ऐसा इनका कहना है। एससी एसटी वर्ग को संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है, न कि आर्थिक आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने एवं उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है, जबकि अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत किसी जाति उपजाति को एससी एसटी वर्ग की सूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाने या आरक्षण के दायरे से बाहर करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। वर्तमान में कुछ प्रदेश निश्चित ही इस आदेश के अनुसार अपनी अपनी तैयारी में लग गए होंगे, जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के देश के हर राज्यों को एवं केंद्र के खाली पड़े लाखों बैकलॉग पदों से नियत समझ आ रही है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का उक्त निर्णय एससी एसटी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होकर पूर्णतः गैर संवैधानिक है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का कहना है। इसी कड़ी में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती ने उक्त आदेश का कड़ा विरोध किया है। केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने एवं स्पेशल संसद सत्र बुलाकर उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास कर आरक्षण विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को कहा था, जिससे भविष्य में आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। देखिए, आज मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमित कर्नल, पूरी बहुजन समाज पार्टी आज रीवा के हमारे जो है तो सभी नेतृत्वकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय पंकज सिंह जी, माननीय विकास सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह पार्टी हाईकमान का आदेश हुआ, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जिस दिन से ये फैसला आया है उस दिन से ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चेतावनी दे रही हैं कि इस जो आरक्षण के मामले में उपवर्गीकरण क्रिमिनल लाया गया है वो असंवैधानिक है, उसमें समाज हित में नहीं है, इसको आप वापस लें, इसको 9वीं अनुसूची में जो है तो शामिल करें जिससे प्रस्ताव ले आकर। लेकिन अभी तक उसमें कोई भी ऐसा वैधानिक कृत्य नहीं किया गया जिससे ये आरक्षण रूपी जो हम लोगों का एक बढ़ने का जो एक माध्यम था वो सुरक्षित हो सके। तो इसलिए भारत बंद के समर्थन में आज 21 अगस्त 2024 को बहुजन समाज पार्टी हाईकमान बहन जी के आदेशानुसार आज रीवा में भी भारत बंद के समर्थन में हम लोग मैदान में उतरे हैं और शांतिपूर्वक जो है तो अपील करते हुए पूरी रैली जो है तो यहाँ से निकलेगी और विवेकानंद पार्क से सिरमौर चौराहा अस्पताल चौराहा होते हुए शिल्पी प्लाजा और इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुँचकर द्वारा कलेक्टर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपा जाना है आज का। द्वारा भीम आर्मी द्वारा रैली जुलूस निकाला गया था, क्या पूरा कार्रवाई किया? आज बसपा द्वारा एक भारत बंद के का आह्वान उनके द्वारा किया गया था, बसपा पार्टी द्वारा, जिसके तारतम्य आज रैली निकली थी कॉलेज चौराहे से और ये पूरा मार्केट एरिया होते हुए सिरमौर चौराहे और शिल्पी प्लाजा वगैरह होते हुए फिर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन हुआ है इनका। और इसमें पूरी पुलिस व्यवस्था इसमें लगाई गई थी और सभी को पहले से ही इनसे आयोजकों से बात किया गया था कि इसको शांतिपूर्ण ही रखना है, किसी प्रकार से किसी साथ जोरदबस्ती नहीं करना है। कहीं कहीं जरूर प्रयास किए गए दुकानों को दुकानदारों से बंद कराने का, और जिसको तत्काल ही पुलिस ने वहाँ पहुँचा और कोई स्थिति नहीं निर्मित होने दी और उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन दिया गया, जिसमें ज्ञापन लेके फिर जो रैली है वो डिस्पर्स हो गई है।